أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون وفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. صدق الله العلي العظيم. جزاك الله. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہوں گے اے پلس کے خصوصی ٹرانسمیشن میں جو کہ ہر روز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں اسی ٹائم دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 7:30 بجے تک. آج جیسے 11واں روزہ ہے اور 11ویں پارے کی آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 103, 104, 105, 106 اور 107 ہے جن کی تلاوت کی سعادت قاری نعمان سیفی نے حاصل کی. دوسرا عشرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں کا عشرہ, یہ اس کی معافی کا عشرہ جو ہے یہ شروع ہو چکا, رحمتوں کا عشرہ, ہم پہ اپنی رحمتیں اپنی برکتیں لٹاتے ہوئے اپنے اختتام پہ پہنچا. اور رمضان المبارک کے دن ایک ایک کر کے گزرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائے. آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایسے مہمانوں سے جنہیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ خوبصورت حمد و ثنا کرتے ہیں اور خوبصورت ثنا خانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کرنے کی جو ہے اللہ نے انہیں توفیق عطا فرمائی ہے. شہزاد مدنی صاحب میرے ساتھ ہوں گے, ہنا نصر اللہ میرے ساتھ ہوں گی, اسرار احمد صاحب جو ہیں پاکستان کے مشہور, اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کمال عطا کیا ہے صوفی کلام میں بھی اور اس کے علاوہ جب وہ گانے گاتے ہیں اس میں بھی, تو ان سے ملاقات ہوگی, ان سے بات چیت ہوگی. اس کے علاوہ میں آپ کو ملواؤں گی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر حافظ اعجاز احمد سے
जो अपनी सक्सेस स्टोरी लेकर आपके सामने आएंगे और आपको पता चलेगा कि दुनिया में कैसे इसार और प्यार मोहब्बत के जज्बे जो हैं वो परवान चढ़ते हैं, एक दूसरे की मदद का और खिदमत का जज्बा जो है वो कैसे आगे बढ़ सकता है। और ये तमाम चीज़ें प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों में आप देख और समाप्त कर सकेंगे, जिसमें एक बहुत अहम हिस्सा ये होता है जिसमें हम हर रोज़ जो रोज़ा है, आज 11वां रोज़ा है तो 11वां सिपारा और उसी की मुनासबत से जो उसमें मज़ामीन है अपने कोशिश के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि उसके मज़ामीन का अहाता करें, ताकि कुरान को सीखने का जो हमें अल्लाह ताला ने ये महीना अता फरमाया है हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा कर सकें। जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई हैं उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर हम अपने रसूलों और ईमान वालों को निजात देंगे। बात यही है, हमारे ज़िम्मे करम पे हक है मुसलमानों को निजात देना। तुम फरमाओ, ऐ लोगों, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से किसी शुबा में हो तो मैं तो उसे ना पूछूंगा जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो, हाँ उस अल्लाह को पूछता हूँ जो तुम्हारी जान निकालेगा, और मुझे हुक्म है कि ईमान वालों में हूँ। और ये कि अपना मुंह दीन के लिए सीधा रख, सबसे अलग होकर और हरगिज शिर्क वालों में ना होना, और अल्लाह के सिवा उसकी बंदगी ना कर जो तेरा भला ना कर सके ना बुरा, फिर अगर ऐसा करेगा तो तू जालिमों में होगा, और अगर तुझे अल्लाह तकलीफ पहुंचाए तो उसका टालने वाला कोई नहीं इसके सिवा, और अगर तेरा भला चाहे तो उसके सिवा उसके फजल को रद्द करने वाला भी कोई नहीं, उसे नहीं पहुंच अपने बंदों में से वो जिसे चाहे बख्शता है और वही बख्शने वाला मेहरबान है। मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात का सिलसिला शाम 7:30 बजे तक हमारी खुसी ट्रांसमिशन रमजान करीम में जारी रहेगा। कहते हैं और रिवायतें जो बयान की जाती हैं कि ये लोग अपने घरों से निकल आए, इन्होंने आसाइशें तर्क कर दी, इन्होंने उम्दा लिबास छोड़ दिए, माँ बच्चों को भूल गई, बच्चे माओं से अलहदा हो गए, जानवरों को भी उनके अलग अलग कर दिया गया, और ये सब लोग एक खुले मैदान में जमा हो गए जहाँ इज्तमाही तौर पर गिरिया जारी ये कर रहे थे, अपने गुनाहों से अस्तगफार कर रहे थे और तौबा कर रहे थे। अजाब इलाही जिसकी वईद नबी ने इनको दी थी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इनको दी थी, वो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इनका अस्तगफार इनकी तौबा कबूल करते हुए कबूल कर ली। और ये वो मौका है कि जहाँ पर जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर रेफर भी किया है इस आयत मुबारका में कि अल्लाह का अजाब टाला है अल्लाह ने उस बस्ती से जिसके ऊपर अल्लाह अजाब का इरादा कर चुका था और नाजिल होने को था, लेकिन उनके खुलूस और उनकी तौबा और उनकी अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेने की वजह से अल्लाह का अजाब भी टल गया। इसके बाद इस वाक्य को अगर आगे बढ़ाएं तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कि अपनी कौम से दिलबर्दाश्ता होकर चले तो उन्होंने एक दरिया को पार करने का इरादा किया, उसमें एक कश्ती चला करती थी, उस कश्ती में तशरीफ फरमा हुए जहाँ और बहुत सारे लोग थे, और उस दरिया में अचानक तलातम हुआ और इतनी तूफानी लहरें उठने लगी
यूनुस अलैहिस्सलाम इन कलमात के साथ बारगाह इलाही में दुआ फरमाते थे कि कोई माबूद नहीं सिवा तेरे, पाकी है तुझको, बेशक मुझसे बेजा हुआ। अपनी गलती का एहसास, अपनी गलती मंजूर फरमाए, आमीन। तू ही अता तू जुदो सखा, हम हैं तेरे बंदे, खाली दामन भर दे, आज कुछ ऐसा कर दे। ऐ अल्लाह तू ही अता तू जुदो सखा, हम हैं तेरे बंदे, खाली दामन भर दे, आज कुछ ऐसा कर दे। हस्बी रब्बी जल्लल्ला, हस्बी रब्बी जल्लल्ला, मा फी कल्बी गैरल्ला, नूरे मुहम्मद सल्लल्ला। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह तू ही अता तू जुदो सखा, हम हैं तेरे बंदे, खाली दामन भर दे, आज कुछ ऐसा कर दे। जुज में वो है कुल में वो, रंगो भूवे कुल में वो, नगमाते कुल कुल में वो, अकवाते गुल बुल में वो। ऐ अल्लाह तू ही अता तू जुदो सखा, हम हैं तेरे बंदे, खाली दामन भर दे, आज कुछ ऐसा कर दे। मौला दिल का जंग छुड़ा, मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला, इसमें हो